आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं अर्जिता। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील का सफाई अभियान जोरों पर है। इस फास्ट ट्रैक ड्राइव का उद्देश्य झील की सुंदरता को बनाए रखना और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे संरक्षित करना है। डल झील सबसे लोकप्रिय और विरासत जल निकायों में से एक है, जो हर साल दुनिया भर से हजारों पर्यटकों को आकर्षित करती है। पिछले साल कोविड-19 के प्रकोप के कारण इस ड्राइव को रोक दिया गया था। आपको बता दें कि लेक्स एंड वाटरवेज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी झील और जलमार्ग विकास प्राधिकरण ने डल झील को साफ करने की पहल की है। हम पिछले 3 साल से तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है और कुछ तो हो ही नहीं रहा यहाँ पर। आप देखो ना, आज हालात हमारे देश के कहाँ आ गए हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा हो रखी है कि बता नहीं सकते आपको कि कारोबार जो पुराने कारोबार हैं, लोग उस पर ही करके देखेगा ना कि चलो कुछ ना कुछ मेरा बन जाएगा। लेकिन इन लोगों ने जो है बैन लगा लगा के उसका कारोबार का सारा काम खराब कर रखा है। अब ये देखो, सुप्रीम कोर्ट जब कह रही है कि तुम ग्रीन क्रैकर बेच भी सकते हो, जला भी सकते हो, तो माननीय ये हमारे मुख्यमंत्री जी कैसे बैन कर सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आई। एक दो दिन का ये त्यौहार होता है, इसी से थोड़ा पोल्यूशन हो जाता है। पोल्यूशन के लिए तो और भी कई चीजें हैं, लेकिन सरकार इसी के पीछे ही पड़ी हुई है। तो पता नहीं क्यों, क्या रीजन है इसमें, कुछ हमें समझ नहीं आ रहा। ये तो एक दिन का त्यौहार है, सब बच्चे भी खुशी से मनाते हैं, रंगों का अच्छे मतलब खिले हुए पटाखे चलते हैं, सबको अच्छा लगता है। और दिवाली कब से चलती आ रही है पटाखों से, अब बिल्कुल खत्म हो गया है। हमारा रोजगार भी खत्म ही है, हम तो कितना फेस कर रहे हैं हमें मालूम है ना। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।